अच्छा, तो स्टैक का क्या कहते हैं, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जो है लिंगलिस्ट से, उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। सर का जो सिंगली लिंगलिस्ट वाला कोड था ना, समझ लो वही पूरी इम्प्लीमेंटेशन रहेगी। वो एक तरह से स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन होगी लिंगलिस्ट के थ्रू। सही है, उसका भी ज़रा सा बता दे रहा हूँ। सही, ज्यादा उसमें कुछ खास करना नहीं। स्टैक में हमारे पास एक दो मेन फंक्शन होते हैं ना, एक पुश का होता है, एक पॉप का होता है। ये दो मेन फंक्शन हमारे हैं स्टैक के अंदर। सही है, पूरा सिंगली लिंक्ड का वही कोड रहेगा। सही है, ये जैसे सर की पीडीएफ है लेक्चर वाली, तो इसमें ये लिंक वाली क्लास है ना, ये नोड वाली क्लास है, ये तो ऐसी रहेगी। सही है, ठीक है। यानी क्या कहते हैं, सिंगली लिंक्ड की जो वीडियो थी ना, उसके कमेंट में, सिंगली लिंक्ड और डबल लिंक्ड की वीडियो के नीचे ना कमेंट में उनका कोड पड़ा हुआ है जिससे समझा रहा था, ठीक है। तो वहां से देख लेना, वहां से नोड वाली क्लास तो पूरी वही रहेगी। सही है, और जो क्या कहते हैं, जब लिंगलिस्ट वाली क्लास में आओगे ना, कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। सही है, इंसर्ट फर्स्ट का जो फंक्शन है वो पुश का काम करेगा, तो बस इसका नाम चेंज कर देना फंक्शन का, पुश रख देना। सही है, कुछ खास करना नहीं है, नाम चेंज करने का तो मसला ही नहीं है किसी को, होगा ठीक है। और डिलीट फर्स्ट का है, इसको पॉप कर देना, ठीक है। बाकी पूरी इसकी इम्प्लीमेंटेशन वही रहेगी। सही है, अगर इसको तुम ट्राई करोगे अपना कोई टेस्ट क्लास बना के, तो वही रहेगा, ठीक है। बाकी हमारे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, तो ये इज एम्प्टी वाला फंक्शन ये वो काम करेगा, ठीक है। इज एम्प्टी वाला फंक्शन ये काम करेगा कि हमारे यहाँ पे लिंक लिस्ट के अंदर क्या शो कर रहा था कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, यहाँ पे ये शो करेगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। और डिस्प्ले स्टैक, ये डिस्प्ले लिस्ट का है तो ये डिस्प्ले स्टैक कर देना इसका नाम, बाकी कोई खास चीज नहीं है। बस एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो भी सिर्फ एक लाइन का। सही है, कि ये पब्लिक लॉन्ग पीक, ठीक है, कि ये टॉप का एलिमेंट जो होता है ना, ये वो शो करता है। तो इसके अंदर बस यहाँ पे रिटर्न करके दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हमें हमारा जो फर्स्ट का जो पॉइंटर होगा ना, हमें बस वो रिटर्न कराना होगा, रिटर्न फर्स्ट। सही है, बस एक पीक का फंक्शन बना लेना। सही है, जो भी डेटा टाइप इंट रखो, बुलियन, वो इंट रखो, क्या कहते हैं, लॉन्ग रखो, जो भी डेटा टाइप रखो वो सब, बाकी पीक के फंक्शन में ये कर लेना कि क्या कहते हैं, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न फर्स्ट कर दोगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टॉप होगा वो फर्स्ट होगा जब हम इस लिंक्ड लिस्ट से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बाकी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। और एक ही इज एम्प्टी का फंक्शन तो वही वो लिंक लिस्ट वाला आ जाएगा। और जहां तक ये इस फुल वाली फंक्शन की बात है कि स्टैक हमारा फुल है कि नहीं, तो अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना, तो लिंक लिस्ट का हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि लिंक लिस्ट का कोई साइज फिक्स नहीं होता, हम उसको जितना लिंक लिस्ट को बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, तो साइज का कोई कॉन्सेप्ट हो गया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से पूरा ये जो सर का कोड है ना, पूरा एक तरह से यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने जैसे आई डेटा, यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने इस तरह हल्की फुल्की चीजें एडिट वगैरह करके हटा दी थी। तो क्या कहते हैं, सिंगली लिंग्लिश वाली जो वीडियो होगी उसके कमेंट में से देख लेना, वहां से मिल जाएगा कोड। डब्ल्यू लिंग्लिश का भी कोड उसकी वीडियो कमेंट में है। सही है, और भाई जहाँ तक क्या कहते हैं सिंगली लिंग्लिश का कोड कर लोगे, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन निकल जाएगी। सही है, डब्ल्यू लिंग्लिश का कोड कर लेना। सही है, वहां से तुम्हारे मजीद एक्स्ट्रा फंक्शंस कवर हो जाएंगे सबके, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो बबल सॉर्ट हमारा है, बबल सॉर्ट का कोड और बबल सॉर्ट की वर्किंग और मर्ज सॉर्ट की वर्किंग, ये चीजें कर लो। सही है, आराम से इंशाल्लाह 20 से ज्यादा सबके नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है। बबल सॉर्ट का कोड, बबल सॉर्ट की वर्किंग, मर्ज सॉर्ट की वर्किंग, और सिंगली लिंग्विस्ट का कोड और डब्ल्यू लिंग्विस्ट का कोड। सही है, और ये सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और बबल सॉर्ट का कोड ना, मेरा तो मशवरा एक है, सब पेपर पे एक बार लिख के ट्राई कर लेना। बहुत से लोग लिख के ट्राई कर लें, जो नहीं कर रहा वो भी लिख के ट्राई कर ले, क्योंकि फिर आमतौर पर होता है कि जब बंदा लिखने बैठ रहा होता है ना, तो फिर कोड आपस में मिक्स हो जाता है, पता चले इस सॉर्टिंग की जगह किसी और का सॉर्टिंग लिख दिया, इंसर्ट फर्स्ट की जगह इंसर्ट लास्ट का लिख दिया, कन्फ्यूजन हो जाएगी, वरना फिर पेपर में सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, तो लिख के एक बार ट्राई कर लेना। सही है, बाकी और तो कोई खास चीज है नहीं ऐसी। और जो क्या कहते हैं, 2D array है, तो 2D array भी देख लेना, लिंक लिस्ट वगैरह ये सब समझ में आ जाएगी। 2D array थोड़ा बहुत देखोगे आ जाएगा सबको समझ, उसमें भी इतना कोई खास रॉकेट साइंस है नहीं, देख लेना वो भी आ जाएगा समझ, ऐसा कोई खास है नहीं। सही, बबल सॉर्ट के दो क्वेश्चन आ रहे हैं, लिंक लिस्ट के दो क्वेश्चन आ रहे हैं,
एजेंट रोड से भी कर लेंगे थोड़े वक्त बाद, तो आई थिंक 20 का पेपर आराम से निकल जाएगा।